सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ समय पहले गदर 2 की स्क्रीनिंग के दौरान सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल को उनके और बॉबी देओल के साथ देखा गया। ये शायद पहली बार था जब देओल भाइयों और ईशा देओल के साथ देखा गया। अब ईशा देओल ने अपने भाइयों के साथ रिश्ते पर खुलकर बात की है। एक इंटरव्यू के दौरान ईशा ने कहा कि मीडिया को पता है कि जनता को क्या पसंद आएगा और वो उसी के हिसाब से सब करते हैं, लेकिन वो कभी भी इसे दिल पर नहीं लेती बल्कि चुटकी भर नमक की तरह लेती हैं। ईशा ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा ये पता होता है कि उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। ईशा ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वो बात नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी समझाया जाए वो बात नहीं करेंगी। सनी देओल और बॉबी देओल से मिले प्यार को ईशा देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की विरासत बताया। उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता से आता है, यही उनकी पर्सनालिटी है और हम उनके बीच हैं, इसलिए हम इसे आगे ले जा रहे हैं और जनता के पास उनके लिए प्यार है और वो हमें देती है। बता दें कि इससे पहले सनी देओल ने भी अपनी बहन ईशा देओल के साथ रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने खुलासा किया था कि सालों पहले वो सभी सोचते थे कि जिंदगी एक सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और चीज़ें बदल जाती हैं और इंसान को बदलाव के हिसाब से खुद को उठाना होता है। गदर 2 के एक्टर के मुताबिक ऐसी नेगेटिव एनर्जी की बजाय खुशी को चुनना चाहिए।